गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वनकम। आप सभी का एक बार फिर से जे आई एन सी ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक नई गुड खूबसूरत मॉर्निंग और शानदार एनर्जी के साथ नई जर्नी आज हम स्टार्ट करेंगे। आज रीनल सिस्टम का पार्ट फिफ्थ हम कंप्लीट करने के बाद में एक नया यूनिट भी आज ही स्टार्ट करेंगे, और जो यूनिट आज नया स्टार्ट करेंगे वो अपना ऑन्कोलॉजी होगा। तो आई होप कि आने वाले जो 2 आवर्स की जर्नी होगी बहुत खूबसूरत होगी। फटाफट लिंक को शेयर करिए और मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक रीच करवाने की कोशिश करें। जस्सू, अजय, इलियास, ज्योति, जागृति, पुष्पिंदर, मनीषा, मधु, कमलेश, ज्योति, अंकित, ममता, अर्जुन, प्रीति तिवारी, एकता, दीपक, अर्पिता, आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड मॉर्निंग। ऑलमोस्ट वी आर क्रॉस 500। लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम लोग मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक इस इंपॉर्टेंट मटेरियल को डिलीवर कर पाए। डू फास्ट, शेयर इट एवरीवन। अंजलि, शहनाज, निकिता, गोल्डी, बीएल, मीना, संजय, नेटवर्क का इश्यू आएगा, हम मिनिमाइज करेंगे, आगे चलेंगे। यही तो तरीका होता है, यही फाइटर का इंडिकेशन होता है। वी आर फाइटर, वी आर आर्मी मैन। भावेश, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर कपिल, महिमा, रानी, बंटी, चेतन, रवि। ओके फाइन, आज की खूबसूरत जर्नी स्टार्ट करते एक शानदार थॉट के साथ। और ये थॉट जो है स्पेशली आपके परिवार जेआईएनसी के द्वारा कंडक्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट आप ये सोच के इस थॉट को लर्न करें कि ये दैट थॉट विल बी कमिंग फ्रॉम द जेआईएनसी फैमिली। शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, शिकायत करके समस्याओं से बचा नहीं जा सकता, किंतु जिम्मेदारी उठाकर समस्याओं को कम जरूर किया जा सकता है। इसी तरीके से आपके परिवार ने, आपकी जेआईएनसी फैमिली ने एक जिम्मेदारी उठाई है आप सभी की समस्याओं को देखते हुए कि उन समस्याओं को हम मिनिमाइज करें, उन प्रॉब्लम को हम सबसाइड करें, ताकि आप स्मूथली उस पाथवे पे रन कर सको और उड़ सको जहां आपको पहुंचना है। वहां तक पहुंचने में हर आने वाली बाधा को दूर करने की जिम्मेदारी आपके परिवार जेआईएनसी जोधपुर ने उठाई है, और इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स की तरफ से मिल रहा है। उस रिस्पॉन्स के लिए जेआईएनसी परिवार दिल से आपका शुक्रिया अदा करता है। हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है जेआईएनसी परिवार, और ये जिम्मेदारी जो उठाई है आने वाले नॉर्सेट 2020 में तिरंगा लहराने की, इस जिम्मेदारी को और मजबूत करते हुए हम कैरी ऑन करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। रीनल सिस्टम है, समथिंग पेंडिंग था, कुछ टॉपिक पेंडिंग था, उसको फिनिश करके एक नया सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। तो आज रीनल सिस्टम और यूरिनल सिस्टम का पार्ट फिफ्थ हम स्टार्ट कर रहे हैं, और पार्ट फिफ्थ जो है ऑलमोस्ट हम 1 आवर में कंप्लीट करेंगे। 1 आवर के बाद तुरंत नया एक स्ट्रीम जनरेट करेंगे, और उस स्ट्रीम के द्वारा हम ऑन्कोलॉजी को कैरी ऑन करेंगे। तो आपको नेक्स्ट 4 आवर कहीं नहीं जाना है, बहुत खूबसूरत जर्नी रहेगी आने वाली 4 आवर की। ओके फाइन, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यूटीआई। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन यहां पर डेफिनेटली बनता है यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन पे, और देखते हैं कि क्या क्या यूटीआई पे क्वेश्चन बन सकते हैं। शॉर्टली वी आर गोइंग टू सी
That is a, it is a second most common infection after respiratory tract infection. मैंने आपको respiratory tract infection पढ़ाया था बच्चों, उस समय clearly आपको mention किया था कि respiratory tract infection जो है ये human body का most common infection है. इसको हम क्या बोलते बच्चों, most common infection of human body. Exam में question आएगा कि human body का most common infection कौन है, तो आपको लिखना respiratory tract infection. और कभी कभी respiratory tract में particular पूछा जाए तो आपको लिखना होगा upper respiratory tract infection. कभी respiratory tract में भी particular mention किया जाए तो then you should put upper respiratory tract infection. उसके बाद respiratory tract के बाद second most common infection of human body पूछे तो आपको clearly mention करना होगा बच्चों, that is the urinary tract infection, UTI जिसको हम बोलते हैं, urinary tract infection second most common infection. Okay fine. उसके अलावा क्या question बनेगा, extend from renal cortex of kidney to the urethral meatus. मतलब UTI जो है, UTI कहीं पर भी हो सकता है. देखिए बच्चों, ये अपने दो किडनी आपने पढ़ा था, we have two kidney और टू किडनी के बाद में आपने टू यूरेटर्स पढ़ा था बच्चों, और यूरेटर्स के बाद में एक यूरिनरी ब्लेडर पढ़ा था, देन यूरेथ्रा पढ़ा था. यहां पर लिखा यूरेथ्रल मीएटस. देखिए इसको हम क्या बोलते बच्चों, यूरेथ्रल मीएटस दैट इज अ पोर्शन वी कैन से यूरेथ्रल मीएटस. और कॉर्टेक्स जो है किडनी का बाहर वाला पोर्शन होता है कॉर्टेक्स. That means my loving future nursing officer, इस cortex से लेकर के urethral meatus तक कहीं पर भी infection spread होना urinary tract infection कहलाता है, urinary tract infection कहलाता है. अब दो तरीके से ये UTI spread होता है, एक जो है urethra के through होगा, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों ascending spread. Ascending का मतलब by the urethra. देखिए urethra के द्वारा यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होके यूटीआई कॉज करता है उसको हम ascending spread बोलते हैं. और यदि सीधा किडनी में ब्लड के द्वारा स्प्रेड होता है तो वो हम descending भी बोल सकते हैं. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द मोस्ट कॉमन वे टू स्प्रेड यूटीआई, तो आपको क्या लिखना होगा बच्चों, ascending, मतलब यूरेथ्रा के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करके कहां पहुंचेगा, यूरिनरी ट्रैक में पहुंचेगा. ये ध्यान रखना है, तो दैट वी कैन से असेंडिंग स्प्रेडिंग. क्या बोलते बच्चों, असेंडिंग स्प्रेडिंग. गॉट इट एवरीवन? तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग का डिफरेंशिएट करना होगा, तो आपको लिखना होगा असेंडिंग स्प्रेड जो है ये मोस्ट कॉमन वे टू स्प्रेड. गॉट इट एवरीवन. आप यदि मुझे विजिबल है, आप देख पा रहे हो, तो मुझे थंब को पुट करिएगा. ओके फाइन, बहुत बढ़िया. कुर्बान अली, प्रीति तिवारी, सानू, प्रीति प्रजापति, सविता सेन, बहुत बढ़िया. यस, मोस्ट कॉमन माय डियर ट्विंकल, असेंडिंग. ओके फाइन. उसके अलावा मोर कॉमन इन फीमेल देन द मेल बिकॉज ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ यूरेथ्रा. देखिए बच्चों, मैंने आपको मेल और फीमेल के यूरेथ्रा की लेंथ बताई थी. मेल में मैंने 19 टू 20 सेंटीमीटर बताई थी, और वही मैंने फीमेल की यदि बात करें बच्चों, तो फीमेल में लगभग 4 सेंटीमीटर. ये फीमेल की यूरेथ्रा की लेंथ है, ये फीमेल की यूरेथ्रा की लेंथ है, ये मेल की यूरेथ्रा की लेंथ है. मेल और फीमेल की यदि लेंथ की हम बात करें बच्चों, मेल डज हैव 19 टू 20 सेंटीमीटर लेंथ. ये मेल की यूरेथ्रा की लंबाई है, और फीमेल की यूरेथ्रा की लंबाई कितना, 4 सेंटीमीटर. तो फीमेल में यूरेथ्रा शॉर्ट होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली एंटर कर सकते हैं. दैट मीन्स मोस्ट कॉमन इन फीमेल देन द मेल, मोस्ट कॉमन इन फीमेल देन द मेल. Got it everyone? That's the reason behind that. Okay fine. Next मैंने put किया what are the factor responsible. तो मैं clearly mention किया है E. coli, जिसको हम बोलते हैं Escherichia coli के नाम से भी जानते हैं, Escherichia coli या E. coli, gram negative bacteria. ध्यान रखना बच्चों, gram negative bacteria है, और 70 to 80% population के लिए responsible होता है, और 50% इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन. यहां दो क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस से पूछे जाएंगे बच्चों, मैं दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर कर देता हूं.
एक क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कॉमन कॉज या कॉजेटिव ऑर्गेनाइजर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटीआई, तो आपको आंसर क्या लिखना, इकोलाई, आपको आंसर क्या लिखना, इकोलाई। दूसरा एक क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से देखना कि मोस्ट कॉमन, ध्यान से, ये बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल, देखिए मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन हम बोल सकते हैं, या हम इसको मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल, देखना बच्चों नोजोकॉमियल इंफेक्शन भी बोल सकते हैं। नोजोकॉमियल हम किसको बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड को बोलते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमन इंफेक्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड में कौन आएगा बच्चों, यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन, दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन। ध्यान से देखना, मोस्ट कॉमन इंफेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक लिखना, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन या मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इंफेक्शन, तो आपको आंसर यूटीआई लिखना होगा बच्चों, आपको आंसर क्या लिखना होगा, यूटीआई लिखना होगा। ध्यान से देखना, लगभग हॉस्पिटल एक्वायर्ड की हम बात करें तो हॉस्पिटल में भी 50% जो कॉज करता है वो कौन होता है, इकोलाई होता है, कौन होता है, इकोलाई होता है। ये दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन है, नेवर फॉरगेट। दिल्ली एम्स ये क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन या मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल, मैं माइक्रोबायोलॉजी में आपको पढ़ाऊंगा बट यहां पर इतना ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल और मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन की बात करेंगे तो भी आपको आंसर क्या लिखना बच्चों, यूटीआई। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन। वीडियो क्लियर नहीं है, विकी यू शुड वियर चश्मा माय डियर, चश्मा को लगाओ आपको अच्छे से दिखेगा, चश्मा लगाओ आपको अच्छे से दिखेगा। 1500 बच्चे क्लास को अटेंड करें उनको कोई दिक्कत नहीं है, यू शुड वियर इट माय डियर, डोंट वेरी, डोंट वेरी, ओके फाइन। द थिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द यूटीआई, द थिंग्स विच इज कमिंग फ्रॉम द यूटीआई, ओके। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दोज हु आर रिसेंटली ज्वाइन, एक बार फिर से आप सभी का JINCE नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक खूबसूरत मॉर्निंग के साथ हम रीनल सिस्टम को एंड करते हुए एक नया सिस्टम आज हम स्टार्ट करेंगे, एक नया सिस्टम हम आज स्टार्ट करेंगे। आई होप कि वी आर गोइंग टू सी कि बेनिफिशियल चीजें जो भी होगी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब यूटीआई का मैनेजमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मैनेजमेंट यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने पुट किया है सिड्स बाथ, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ रहा हूं मैं जो एग्जाम में 100% आता है। सिड्स बाथ का दूसरा नाम है हिप बाथ, सिड्स बाथ का दूसरा नाम है हिप बाथ। देखिए बच्चों सिड्स बाथ का टेम्परेचर एग्जाम में पूछा जाता है 110 से लेके 115 डिग्री फारेनहाइट, ये सिड्स बाथ का टेम्परेचर मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। लाइक करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, आपकी हमेशा मैं कहता हूं प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, यू शुड लाइक इट एवरीवन, लाइक इट एवरीवन, दिस इज वन ऑफ द वे टू डिलीवर एनर्जी टुवर्ड्स योर टीचर, लाइक करिए, लाइक करना ना भूले। मिस्टर SR मीना टू डोनेटिंग 40 rupees इनटू JINCE पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच मिस्टर SR मीना, ओके फाइन। सिड्स बाथ की बात करें, सिड्स बाथ को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, हिप बाथ के नाम से जानते हैं। टेम्परेचर एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है 110 से लेके 115 डिग्री फारेनहाइट, ये इसका टेम्परेचर है, ये इसका टेम्परेचर, कभी कभी सेल्सियस में पूछा जा सकता है, कभी कभी सेल्सियस में पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना होगा 43, कितना लिखना होगा बच्चों, 43 से लेके 46, 43 से लेके 46, ओके फाइन। ऑलमोस्ट वी क्रॉस्ड 1200 बच्चों, लाइक करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक इट एवरीवन। अभी लाइक जो है 1000 भी नहीं हुआ, 1200 बच्चे क्लास को ऑनलाइन देख रहे हैं, फटाफट अपना काम करिएगा, लाइक इट एवरीवन, लाइक इट एवरीवन, डू फास्ट एवरीवन, ओके फाइन। अब ये जो सिड्स बात है, देखिए बच्चों ये कहां यूज करते हैं हम लोग, पेरिनियल केयर में, कहां यूज करते हैं, पेरिनियल केयर में, कहां यूज करते हैं बच्चों, हेमरॉइड्स में, कहां यूज करते बच्चों, हेमरॉइड्स में, हेमरॉइड्स में हम यूज करते हैं, पेरिनियल केयर में हम यूज करते हैं। और इफ द पेशेंट सफर इथ यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यूटीआई वाले पेशेंट को भी हम लोग सिड्स बाथ यूज करते हैं, गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन। अब सिड्स बाथ पे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ध्यान से देखिएगा कि ड्यूरेशन कितना, मैं बताना चाहूंगा आपको, ड्यूरेशन पूछेंगे। एग्जाम में दो ड्यूरेशन मिलता है, एक मिलता है 15 से 20 और कभी कभी लिखाता 15 से 30। यदि 15 to 20 ऑप्शन है तो इसको करेक्ट करना है, और 15 to 20 ऑप्शन नहीं है तो मैक्सिमम 15 to 30 मिनट, ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। 15 to 20 ऑप्शन है यू विल करेक्ट इट, और 15 to 20 नहीं है तो 15 to 30 यू विल बी करेक्ट,
तीन सब्सटेंस हम यूज करते हैं, तीन सब्सटेंस हम यूज करते हैं, गॉट इट एवरीवन। पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं जिसका रेशियो 1:5000 होता है, 1 ml पोटेशियम परमैंगनेट और 5000 ml वाटर, 5000 ml वाटर। दूसरा हम किसको यूज कर सकते हैं, बोरिक एसिड 1 ड्रैम, 1 ड्रैम का मतलब होता है 4 ml, 1 ड्रैम का। देखिए दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के, कभी कभी पूछेंगे 1 ड्रैम में कितना होगा, तो 4 ml याद रखना बच्चों, 1 जो ड्रैम है इसका मतलब होता है 4 ml, ओके फाइन। 1 पिंट है, 1 पिंट का मतलब होता है बच्चों 500 ml, 500 ml। और याद रखना ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूजोल, ये तीन वो सब्सटेंस जो हम सिट्स बाथ देते समय यूज करते हैं, वो तीन वो सब्सटेंस है जो हम सिट्स बाथ देते समय यूज करते हैं। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, ध्यान रखना, पोटेशियम परमैंगनेट का रेशियो पूछा जा सकता है, बोरिक एसिड और बोरिक एसिड का रेशियो पूछा जा सकता है, यूसोल का पूछा जा सकता है। और ये तीनों वो सब्सटेंस है जो हम कहां यूज करते हैं बच्चों, सिट्स बाथ में, कहां यूज करते हैं हम लोग, सिट्स बाथ में, ओके फाइन। उसके बाद विटामिन सी, देखिए विटामिन सी हम यूटी वाले पेशेंट को देते हैं, विटामिन सी क्या करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करती है, विटामिन सी क्या करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने का काम करती है, बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने का काम करती है। देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लेमन जूस, यू नो लेमन, लेमन किसको बोलते हैं, लेमन, लेमन जूस जो है ये भी प्रिवेंट करता बैक्टीरियल ग्रोथ को, ये भी प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन। देन एसिड ऐश डाइट, देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखिए एसिड, एसिड ऐश डाइट, मैं बता देता हूं, एसिड ऐश हम लोग रीनल कैलकुलाई में भी देते हैं, रीनल कैलकुलाई में भी देते हैं और यूटीआई में भी देते हैं। और एसिड ऐश डाइट का मेन पर्पज होता है ये एसिडिक को एल्कली में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो एसिड ऐश डाइट, क्योंकि यूरिन की पीएच हमने 6 पढ़ा, इसमें ब्रेड दे सकते हैं, एग दे सकते हैं, टोमेटो दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, देख डायरेक्ट क्वेश्चन, मनीष अग्रवाल ₹19 डोनेटिंग टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू सो मच, वी क्रॉस 1300 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, 1300 बच्चे एक लाइव देख रहे हैं, लाइक करना ना भूलें, लाइक इट राइट नाउ, लाइक इट एवरीवन। याद रखना एसिड ऐश डाइट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधा आंसर लिखना यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन देते हैं, इसके अलावा रीनल कैलकुलाई वाले पेशेंट को भी देते हैं, बट हमेशा यूटीआई वाले पेशेंट की डाइट आपसे पूछेंगे, तो आपको आंसर क्या लिखना है, एसिड ऐश डाइट। गॉट इट एवरीवन, ओके फाइन, ओके फाइन, विल गो फर्दर। एक क्वेश्चन और आता है यूटीआई पे, क्वेश्चन हमेशा क्या आता है कि यूटीआई का पेशेंट है और यूटीआई पेशेंट को बर्निंग हो रहा है, और कौन सा बर्निंग को या यूरिनेशन को या अर्ज को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं, तो याद रखना फिनाजोपायरामाइड, ये एनाल्जेसिक है, ये कॉमनली ड्रग यूज करते हैं बच्चों, ये कॉमनली हम ड्रग यूज करते हैं, किसको यूज करते हैं, यूटीआई वाले पेशेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, याद रखना फिनाजोपायरामाइड, दैट्स एनाल्जेसिक व्हिच इज यूज्ड पेशेंट सफर विद द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और ये मेनली क्या करती है, एक तो बर्निंग सेंसेशन को ट्रीट करती है, यूरिनेशन को बढ़ाएगी और अर्ज को, अर्ज जो बार बार आ रही है उसको इंक्रीज करेगी, उसको क्या इंक्रीज करेगी, अर्ज को बढ़ाएगी। अर्चना ओके फाइन माय डियर, तो द थिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके फाइन, ओके फाइन। शॉर्टली नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने आपको पुट किया, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डू यू एक्सपेक्ट टू सी ए पेशेंट डायग्नोज विद द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और यूटीआई, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस और यूटीआई, फटाफट आंसर पुट करिएगा, पुट द राइट आंसर एवरीवन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, पेशेंट को दो डिजीज यहां पर बताइए, देखिए पाइलोनेफ्राइटिस मैं आपको शॉर्टली आगे पढ़ाऊंगा, पाइलोनेफ्राइटिस है और यूटीआई है। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब हमने पढ़ा था, इट इज इन्फ्लेमेशन इनटू द रीनल पेल्विस, दूसरा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन दोनों का एक कॉमन सिम्टम। ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट करना शुरू कर दिया, देखिए जॉन्डिस एंड फ्लैंक पेन, देखिए फ्लैंक पेन और जॉन्डिस, जॉन्डिस हमेशा इंडिकेट करता है
जॉन्डिस इंडिकेट करता है इंक्रीज द लेवल ऑफ बिलरुबिन. देन कॉस्टो वर्टल एंगल, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल, ये हो सकता है, ये हो सकता है. बर्निंग सेंसेशन ऑन यूरिनेशन और पॉलीयूरिया एंड नॉक्टूरिया, पुट द राइट आंसर. देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा है, यहां पर आप डाइवर्ट हो गए. आप सभी का आंसर 200% रॉन्ग है. सी जिसने भी लिखा है वो 200% रॉन्ग आंसर है. अब राइट आंसर दीजिएगा. देखिए बर्निंग सेंसेशन और यूरिनेशन, मैंने क्या लिखा यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम डू यू एक्सपेक्ट टू सी इन अ पेशेंट डायग्नोस विद द एक्यूट. सी का मतलब होता देखना, देखना ये सिम्टम आप देखोगे, आपको पेशेंट नहीं बता रहा. यू विल डू द फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी आइडेंटिफाइड. क्वेश्चन यहां पर पूछा है, क्वेश्चन यहां पर पूछा है एक्सपेक्ट टू सी. अब आंसर बताइए. मैं क्लियर कह देता हूं सी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है. पुट द राइट आंसर. ए भी नहीं है बदमाश बच्चों, ए भी नहीं है नालायक, ए भी नहीं है. ध्यान लगाओ. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम आता है. अब बच्चा ही आपके पास बी और डी है, बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सपेक्ट टू सी. ये वर्ड ने क्वेश्चन बदल दिया, कौन सा सिम्टम आप देखोगे उस पेशेंट में, जिस पेशेंट को क्या है, यूटीआई और पाइलोनेफ्राइटिस, यूटीआई. और कुर्बान अली आपका आंसर सही आया बेटा, आपका आंसर. विमला चौधरी, नरसिंह द्विवेदी, यस. एबएस अंदर नहीं लिखो बदमाश बच्चों. राहुल चौधरी थैंक यू सो मच टू डोनेटिंग 39 रुपीज टू द जेएनसी पुअर फंड. ओके फाइन, आप सभी ने डर डर के आंसर पुट किया था. इसको हम कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस एंड चिल मैं शो करता हूं. हाउ कैन आइडेंटिफाई, यस बिल्कुल मुकेश कुमार, इसको मर्फी पंच साइन भी कहते हैं, इसको पास्टर निकीज साइन भी कहते हैं. आई विल शो हियर दैट यू कैन सी कॉस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस, दूसरा नाम है मर्फी पंच साइन, तीसरा नाम है पास्टर निकी साइन और चौथा नाम है गोल्ड फ्लैम. ध्यान से देखना बच्चों, गोल्ड फ्लैम ये फोर्थ नाम है. क्या होगा बिटवीन 12 रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, ध्यान से देखना. केशव बिश्नोई टू डोनेटिंग 40 रुपीज इन टू द जेएनसी पुअर स्टूडेंट फंड, थैंक यू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. कॉस्टोवर्टिबल टेंडरनेस, मर्फी पंच साइन, पास्टरनिकी साइन और गोल्ड फ्लेम साइन. बिटवीन 12 रिब्स एंड वर्टिबल कॉलम पेन इज इलिसिटेड बाय द परकशन ऑफ द एरिया ऑफ बैक ओवरलाइन द किडनी. ध्यान से समझना बच्चों, इस सिम्टम के बारे में बताना चाहता हूं, एक इमेज आपको दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस लिखा हुआ है, मर्फी साइन लिखा हुआ है, पास्टरनिकी साइन लिखा हुआ है, गोल्ड फ्लेम साइन लिखा हुआ है. इस इमेज में आप देखिएगा, ये जो दिख रहा है यहां पर देखिएगा, ये कौन सा है, ये 12th रिप्स है. कौन सा रिप्स है बच्चों, 12th रिप्स है. और ये कौन सा एरिया है, ये वर्टिब्रल कॉलम है. कौन है बच्चों, वर्टिब्रल कॉलम है. पेशेंट का बैक आपको याद होगा बिटवीन 12 थोरसिक वर्टिब्रा और 3rd लंबर वर्टिब्रा के बीच में कौन लोकेटेड होता है, किडनी लोकेटेड होता है. दैट मीन्स माई डियर, इस वर्टिब्रल कॉलम और 12 थोरसिक वर्टिब्रा जहां पर 12th रिब्स लोकेटेड होता है, इन दोनों के बीच में जब हम परकशन करेंगे तो पेशेंट को क्या फेल्ट होगा, पेन फेल्ट होगा. दैट विल इंडिकेटिंग पाइलोनेफ्राइटिस. Even my dear, pyelonephritis example of UTI. So that also we can say UTI. दुबारा गलती मत करिएगा. It's easy to remember. Simply याद रखना, ये kidney आपको दिख रहा है. 12th thoracic vertebra जहाँ है, वहाँ 12th ribs connect होता है. जब 12th ribs होता है और vertebral column है, इन दोनों के बीच का जो angle बन रहा है, यहाँ पर आप क्या करोगे? Percussion करोगे. और percussion देखिए, Murphy पंच साइन आपको याद होगा, मैंने कॉलिन इतिहास इसमें पढ़ाया था, मर्फी साइन.
कॉलेज इतिहास में आपको पढ़ाया था मर्फी साइन, याद होगा मर्फी साइन, मैंने वहां पर बताया था जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है तो राइट जो एंगल होता है थोरेसिक एंगल, वहां फिंगर पुट करने पर पेशेंट को पेन होता है, वो किसको इंडिकेट करता है? कॉलेज इतिहास। यहां मर्फी पंच साइन है, पंच का मतलब परकशन, पंच का मतलब परकशन, द साइन विल इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द यूटीआई और पाइलोनेफ्राइटिस। ये क्वेश्चन पास्टर निकी के साइन के नाम से आ चुका है, That will be coming again. तो आपको याद रखना है पास्टर निकीस, मर्फी पंच, गोल्ड फ्लैम, कॉस्टोवर्टिबल टेंडरनेस, तीन से चार नाम है, यू विल बी रिमेंबर। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, विल गो फर्दर। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन और पुट किया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द यूटीआई इन द ओल्डर अडल्ट में यूटीआई होने का, ओल्डर अडल्ट में यूटीआई होने का कौन सा फैक्टर यहां पर कंट्रीब्यूट होगा? बच्चों कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट होगा? फटाफट आंसर लिखिएगा, मैंने क्लियर मेंशन किया, यहां क्वेश्चन चेंज होगा। ओल्डर का मतलब होता है, याद रखना, एज जो है मोर देन 65 ईयर, 65 साल से ज्यादा वाले पर्सन को ओल्डर या एल्डरली बोलते हैं, ओल्डर या एल्डरली बोलते हैं, तो उसका यूटीआई होने का कारण क्या होगा? लो इंसिडेंस ऑफ द क्रॉनिक इलनेस, मतलब उसको क्रॉनिक इलनेस कम डेवलप हो रहा तो हो सकता है, देन स्पोरैडिक यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट की वजह से, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, या एक्टिव लाइफस्टाइल। उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग एक्टिव लाइफस्टाइल से 65 साल के बाद एक्टिव लाइफस्टाइल का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनता है यहां पर? यस, बिल्कुल सही, आप सभी ने सही पुट किया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एक फैक्टर है जो एज के साथ साथ पेशेंट को यूटीआई होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। बहुत शानदार, ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1400। बच्चों लाइक करना ना भूलें, लाइक जो अभी भी आपका 1200 है, लगभग 200 लाइक डेफिशिएंट है, फटाफट फिनिश करिए, 200 लाइक डेफिशिएंट है, फटाफट करें। और वो मेरे जो सबसे प्यारे हैं, इंतजार करते हैं सर की क्लास स्टार्ट होते ही डिसलाइक करने आते हैं, वो भी आए, फटाफट अपना काम करके चले जाएं, नहीं तो तकलीफ होती आपको भी कि आज डिसलाइक नहीं किया है। है बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल, बट वो भी अपना काम करें ताकि आपकी प्रेजेंस मुझे पता तो चले कि आप आ चुके हो। फटाफट आइएगा, डिसलाइक करके जाइए जो डिसलाइक करने आते हैं हमेशा। बट माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको लाइक करना ना भूलना है। ओके फाइन, ऑलमोस्ट बच्चों ने लाइक किया। ओके नेक्स्ट मैं पुट करता बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इंक्लूडेड इन अ टीचिंग प्लान फॉर पेशेंट डायग्नोस्ड विथ यूटीआई। मतलब पेशेंट को यूटीआई डायग्नोस हुआ है, उस पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दिया जा रहा है, तो कौन सा इंटरवेंशन टीचिंग प्लान में इंक्लूड किया जाएगा? फटाफट आंसर पुट करिएगा। देखिए, ड्रिंक कॉफी और टी इंक्रीज डायोरेसिस, पेशेंट का डायोरेसिस बढ़ाने के लिए कॉफी और टी के लिए बोलेंगे। यूज टब बाथ एज अपोज टू द शावर, पेशेंट को कहेंगे बेटा टब बाथ यूज करना है। देन वॉइड एवरी 4 to 6 आवर, आपको हर 4 से 6 घंटे से यूरिन पास करना है। और ड्रिंक लिबरल का मतलब होता है मैक्सिमम, लिबरल का मतलब होगा मैक्सिमम, ड्रिंक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड। तो कौन सा आंसर राइट होगा? लिबरल का मतलब ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा आप फ्लूइड का इनटेक करोगे, किडनी ज्यादा फिल्टर करेगी और यूरिनरी ब्लेडर कम टाइम तक स्टोर कर पाएगा और फ्लैशिंग क्विक होगा, तो बैक्टीरिया का स्टॉपेज कम हो जाएगा, तो बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन भी मिनिमाइज हो जाएगा। जितना इनटेक करोगे उतना क्विक आउटपुट जाएगा, तो बैक्टीरिया को रुकने का वक्त कम मिलेगा, कम टाइम तक रुकेगा तो मल्टीप्लिकेशन के चांसेस कम हो जाते हैं और इससे यूटीआई की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, सबसाइड हो जाती है। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, दैट इज अ डी इज द राइट आंसर, ड्रिंक लिबरल अमाउंट ऑफ फ्लूड, एक्सेसिव अमाउंट फ्लूड पेशेंट को देना है जब भी पेशेंट सफर विद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब भी यूटीआई से सफर करता है तो उस पेशेंट को लिबरल अमाउंट ऑफ फ्लूड देना। ओके फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग, देखिए बच्चों, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ यूटीआई इन ओल्डर अडल्ट, स्पेशली इन दोज विद द डिमेंशिया।
दोज विद द डिमेंशिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चों। मोस्ट कॉमन देखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब होगा है व्हाट वी आर ऑब्जर्व, जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम जिसको ऑब्जर्व करते हैं वो सिम्टम। ऑब्जेक्टिव का मतलब व्हाट वी आर ऑब्जर्व, सब्जेक्टिव मतलब व्हाट पेशेंट कैन सेज, पेशेंट जो बताता है वो सब्जेक्टिव होता है, हम जो ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जेक्टिव होता है। ओके फाइन, गॉट इट एवरीवन। ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऑफ यूटीआई इज ओल्डर एडल्ट स्पेशली दोज द डिमेंशिया। देखिए बच्चों, डिमेंशिया को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। डिमेंशिया को क्या बोलते हैं बच्चों, लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब पेशेंट का मेमोरी लॉस है और उस पेशेंट को यूटीआई है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव देखिए, हेमेचूरिया, चेंज इन कॉग्निटिव फंक्शन, बैक पेन, इनकॉन्टिनेंस। देखिए हेमेचूरिया पेशेंट बता सकता है यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। बैक पेन, पेशेंट कंप्लेन करा मुझे बैक पेन हो रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। इनकॉन्टिनेंस, देखिए बच्चों इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री, ध्यान से देखना बच्चों, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लेडर थ्रू यूरेथ्रा, थ्रू यूरेथ्रा, थ्रू यूरेथ्रा, मतलब इनकॉन्टिनेंस का मतलब क्या डियर, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर थ्रू द यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर के द्वारा, कहां से, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा के द्वारा जो इनवॉलेंट्री यूरिन लॉस हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है ना, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इनकॉन्टिनेंस का। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर एवरीवन, क्लियरली यहां पर मेंशन कर रहा हूं, क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, यहां पर डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। पेशेंट को डिमेंशिया है, पेशेंट का मेमोरी लॉस हुआ है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव साइन, कौन सा ऑब्जेक्टिव साइन जो है दैट गोइंग टू बी प्रेजेंटिंग, कौन सा होगा ऑब्जेक्टिव, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव होगा, तो बिल्कुल चेंज इन कॉग्निटिव फंक्शन। देखिए बच्चों, चेंज इन कॉग्निटिव फंक्शन बिकॉज दिस पेशेंट यूजुअली एग्जिबिट इवन मोर प्रोफाउंड कॉग्निटिव चेंजेस विथ ऑनसेट ऑफ यूटीआई। मतलब कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, थिंकिंग, थिंकिंग मेमोरी, ये क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा, तो कॉग्निटिव फंक्शन क्या बच्चों यहां पर चेंज होगा, और राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। यस, गॉट इट एवरीवन, गॉट इट एवरीवन, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार कॉम्प्रेशन बच्चों आपका, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू ध्यान से देखना, बहुत ईजी है। ए यूरिन एनालिसिस कैन बी इंक्लूड, यूरिन एनालिसिस कैन बी इंक्लूड, देखिए एक पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करना है, यूरिन एनालिसिस कैन बी इंक्लूड ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यूरिन एनालिसिस के लिए कौन कौन से इंटरवेंशन इंक्लूड है, एक्सेप्ट इंक्लूड है, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, पुट द राइट आंसर, पुट द राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो राइट आंसर लिखिएगा, कि तीन राइट होगा एक रॉन्ग होगा, तीन राइट होगा एक रॉन्ग होगा। देखिएगा, डिटरमिनेशन ऑफ यूरिन पीएच, बिल्कुल हम चेक करेंगे यूरिन एनालिसिस में। टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड प्रोटीन, बिल्कुल हम चेक करेंगे यूरिन एनालिसिस में। देन टेस्ट फॉर फीकल मटेरियल, फीकल मटेरियल यूरिन एनालिसिस में चेक नहीं करते बच्चों, ये स्टूल में चेक करते हैं, तो ये यहां नहीं लग रहा है। और डिटरमिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी भी चेक करेंगे, तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एब्सोल्युटली बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, एब्सोल्युटली बच्चों ने राइट आंसर पुट किया है, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। एक्सेप्ट एक्सपेक्ट वर्ड जो है ये एग्जाम में काफी कंफ्यूज करते हैं आपको, उस क्वेश्चन को टू टाइम्स पढ़ना है, क्वेश्चन को पूछो कि क्या चाहता है, तो व्हाट क्वेश्चन वांट, क्या पूछना चाह रहा है, जैसे ही वो क्लिक हो जाएगा आंसर अपने आप जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही ऑप्शन को आप देखोगे तुरंत आपको वहां पर आंसर मिलेगा। हमेशा क्वेश्चन को समझना सबसे पहली प्रायोरिटी, सीधा आंसर की तरफ नहीं भागना बच्चों, सीधा आंसर की तरफ नहीं भागना। ओके फाइन, नेक्स्ट एक टेस्ट आता है एग्जाम में, मैंने इमेज पुट किया है, फटाफट आप मुझे इस टेस्ट का नाम बताइएगा, फटाफट मुझे आप इस टेस्ट का नाम बताइएगा। एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी ये पूछा जा सकता है, पुट इट एवरीवन, पुट इट एवरीवन, ये टेस्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इस टेस्ट का नाम मुझे आप बताइए फटाफट, क्या नाम है इस टेस्ट का, पुट द राइट आंसर एवरीवन, पुट द राइट आंसर, क्या नाम है इस टेस्ट का,
कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। टेस्ट का नाम पूछा बच्चों, टेस्ट का। हाँ यस यस, दीपिका ने कुछ लिखा है, दीपिका ने कुछ लिखा है, बट कुछ बता एल्ब्यूमिन लिख रहे हैं, कुछ यूरिन लिख रहे हैं, है ना, कुछ केटो लिख रहे हैं, केटो नहीं बेटा, ठीक से लिखो, ठीक से लिखो। यस यस, डिप स्टिक टेस्ट लिख रहे हैं बच्चे, तो मैं आंसर पुट कर देता हूं क्योंकि ये डिप स्टिक टेस्ट ही है, डिप स्टिक टेस्ट ही है। डिप स्टिक टेस्ट ऑफ यूरिन टू इंक्रीज इन अ प्रोटीन ग्लूकोज कीटोन लेवल विथ ईच प्री नेटल विजिट में हम कॉमनली करते हैं। हम क्या करते हैं, यूरिन लेते हैं, यूरिन में डिप को क्या करते हैं, स्ट्रिप को क्या करते हैं, डिप करते हैं। डिप करने के बाद में इसके कलर कोड को उस बॉक्स के ऊपर दिए हुए कलर से मैच करते हैं और उससे पता चलता है कि पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन ग्लूकोज कीटोन कितना प्रेजेंट है। ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन। केसर बिश्नोई क्या बात, अगेन 40 रुपीज, थैंक यू सो मच माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये इस तरीके का आपका जो प्यार और स्नेह जेएनसी परिवार की टूवर्ड्स है, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और रियली आप बहुत अच्छा कर रहे, बहुत बढ़िया कर रहे माय डियर केसर। तो डिप स्टिक टेस्ट जो है ये हमेशा हम कहां यूज करते हैं बच्चों, ये प्रोटीन ग्लूकोज और कीटोन का लेवल मॉनिटर करने में यूज करते हैं, कॉमनली प्रीनेटल विजिट में यूज करते हैं, इवन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में भी यूज करते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस मैंने आपको पढ़ाया था इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज, इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप फर्स्ट डायबिटीज। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी, वी क्रॉस 1440। लाइक करना ना भूले बच्चों, लाइक अभी भी 40 कम है, लाइक अभी भी 40 कम है, लाइक करना ना भूले। ओके फाइन, नेक्स्ट छोटे छोटे डिसऑर्डर में फटाफट रिव्यू करता हूं, उसके बाद एक नया सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे आज, और सिस्टम आज होगा अपना ऑंकोलॉजी। ऑंकोलॉजी पे बनने वाले सारे क्वेश्चन, कैंसर पे बनने वाले सारे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। इसको फटाफट फिनिश करते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं। ब्लेडर ट्रॉमा पे क्या क्वेश्चन बनता, देखिए ब्लेडर मतलब यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर के ट्रॉमा पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूरिनरी ब्लेडर के ट्रॉमा पे क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों। इट अकर फॉलोइंग ब्लंट ट्रॉमा, ब्लंट ट्रॉमा, देखिए 15-40% यूरिनरी ब्लेडर रप्चर होने का कारण क्या है, ब्लंट ट्रॉमा, क्या कारण है बच्चों, ब्लंट ट्रॉमा। देन पेनिट्रेटिंग इंजरी जो है वो 60-85% रिस्पॉन्सिबल है, 60-85% रिस्पॉन्सिबल है। A lower abdomen cause compression of the abdominal wall or bladder. ये दो तरह का ट्रॉमा है, ब्लंट और पेनिट्रेटिंग बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन। पेनिट्रेटिंग इंजरी का मैं बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, पेल्विक फ्रैक्चर। बेस्ट एग्जाम्पल यदि हम देखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, कॉमनेस्ट कॉज क्या होगा, कॉमनेस्ट कॉज क्या होगा, तो आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों, पेल्विक फ्रैक्चर, द फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज ब्लेडर ट्रॉमा। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया कि विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज टू रप्चर ऑफ यूरिनरी ब्लेडर, तो आपको आंसर क्लियरली मेंशन करना होगा, पेल्विक फ्रैक्चर। क्योंकि यूरिनरी ब्लेडर मैंने बताया था, अडल्ट में यूरिनरी ब्लेडर कहां होता है बच्चों, पेल्विक कैविटी में। वी हैव फोर कैविटी, क्रेनियल, थोरेसिक, एब्डोमन, पेल्विस। सबसे छोटी कौन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट कैविटी कौन होती है चारों में, क्रेनियल। सबसे बड़ी कौन होती है बच्चों, यहां पर एब्डोमिनल कैविटी, बड़ी कौन होगी, एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियम, थोरेसिक, एब्डोमन और वी कैन से पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी में कौन लोकेटेड होता है, यूरिनरी ब्लेडर, कौन लोकेटेड होता है, यूरिनरी ब्लेडर। और यूरिनरी ब्लेडर जो है उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या हो सकता है, वो पेल्विक फ्रैक्चर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज ब्लेडर ट्रॉमा, कैन कॉज ब्लेडर ट्रॉमा। देखिए बच्चों, यहाँ एक एमसीक्यू मैंने पुट किया है, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लेडर ट्रॉमा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लेडर ट्रॉमा, फटाफट इसका आंसर लिखिएगा, बहुत आसान है, अभी आपके साथ डिस्कस किया। पुट इट एवरीवन, पुट द राइट आंसर, यस पुट द राइट आंसर एवरीवन, फटाफट राइट आंसर पुट करिएगा। बहुत बढ़िया, अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन कॉज कैन कॉज यूरिनरी ब्लेडर ट्रॉमा, तो कौन कॉज कर सकता है, वो मैंने आपको बताया था, पेल्विक फ्रैक्चर। यस, क्या पढ़ा आपने बच्चों, पेल्विक फ्रैक्चर पढ़ा। ओके फाइन, यहां एक इमेज दिख रहा होगा, फटाफट इस इमेज को देख के बताएं, व्हाट यू आर गोइंग टू सी, क्या दिख रहा है यहां पर इस इमेज में, कौन सी डिजीज आपको दिख रही है, फटाफट डिजीज को फाइंड आउट करें और आंसर पुट करें।
फटाफट डिजीज को फाइंड आउट करें बच्चों और आंसर पुट करें। मैं हिंट देता हूं आपको, ये जो दिख रहा है ये किडनी का इमेज है, ये जो दिख रहा है बच्चों ये किडनी का इमेज है, इधर भी जो दिख रहा है ये किडनी का इमेज है, दोनों तरफ किडनी का इमेज दिख रहा है बच्चों, और किडनी के अंदर पॉलिप्स है। किडनी के अंदर क्या है बच्चों? पॉलिप्स है। किडनी में क्या है? पॉलिप्स है। और ये पॉलिप्स की वजह से किडनी क्या है? नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाती है। और इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मोडलिटीज क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा रीनल ट्रांसप्लांटेशन। रीनल ट्रांसप्लांटेशन। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। दैट इमेज विल इंडिकेटिंग। इमेज को देख के आप मुझे आंसर बताइएगा, इमेज को देख के आप मुझे आंसर बताइएगा, ये इमेज में क्या इंडिकेट कर रहा है? पुट द राइट आंसर एवरीवन। लगभग 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को अटेंड करें। आंसर क्विक लिखे, आंसर क्विक लिखे। व्हाट यू थिंक पुट द राइट फटाफट पुट करेगा, फटाफट पुट करेगा। ये कौन सा डिसऑर्डर है? ये कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें दो इमेज आपको दिख रही है और इमेज में पॉलिप का फॉर्मेशन हो रखा है? ज्यादातर बच्चों ने पीकेडी लिखा है और आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को किससे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? एक्सरे से फाइंड आउट करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज दो टाइप्स की होती है, दोनों को मैं शॉर्टली डिस्क्राइब करूंगा। बट इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरीके से फाइंड आउट करना, ये जो दिख रहा है पॉलिप्स होती है, पॉलिप्स की वजह से किडनी के जो फंक्शन है वो नॉर्मल नहीं होते हैं और उस कंडीशन में पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है, रीनल ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। Got it everyone? That is a PKD, polycystic kidney disease. Polycystic, बता देता हूं ये polycystic kidney disease क्या होती है, shortly मैंने यहां describe किया है। Again you can see, difference देखिएगा बच्चों। ये जो दिख रहा है ये आपका normal kidney, ये जो दिख रहा है ये normal kidney है, और ये जो दिख रहा है ये PKD है, ये PKD है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। दोनों में डिफरेंस आप देखिएगा, यहां आपके किडनी का स्ट्रक्चर जो है ये बीन शेप दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, इसमें आप देखोगे तो क्या दिख रहा है बच्चों? पॉलिप दिख रहा है। कॉर्टेक्स का ना पता, ना मेडुला का पता, किसी का नहीं पता चल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ डिसऑर्डर वी कैन से पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। थैंक यू अर्पिता, थैंक यू सो मच माय डियर। नॉर्मल और पीकेडी दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आप पता लगा सकते हो कि पेशेंट को पीकेडी है या नॉर्मल है, पीकेडी है या नॉर्मल है। ओके फाइन, शॉर्टली मैं डिस्कस करता हूं इसके बारे में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में यदि हम बात करें तो एक तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और जिसकी में क्या डेवलप होता है, नंबर ऑफ सिस्ट डेवलप होता है इनटू द किडनी, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। गॉट इट? यस, किडनी चॉकलेट जैसी हो गई है। ए जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कैन कॉज नंबरस सिस्ट। ओके फाइन। दूसरा, जीन का म्यूटेशन। मैं हमेशा बताता हूं कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होता है, हमेशा याद रखना टू और मोर अफेक्टेड जीन ट्रांसफर एंड कैन कॉज म्यूटेशन। याद रखना ये जेनेटिक डिजीज ट्रांसफर होने का तरीका है, जब दो या दो से अधिक अफेक्टेड जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होकर के क्या कॉज करेंगे बच्चों? म्यूटेशन। दैट कैन कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। दैट दिव्या डोनेटिंग 1000 rupees towards JNC poor student fund. Thank you so much my loving future nursing officer. आप जैसे नर्सिंग ऑफिसर की मदद से वो पुअर नर्सिंग ऑफिसर भी सपना देख सकते हैं पढ़ने का, नौकरी लगने का। बहुत शानदार पहल आप लोगों ने, मैं हमेशा कहता हूं ये आपके द्वारा शुरू की गई पहल, आपके द्वारा डोनेट किया गया अमाउंट, आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर की मदद करने में यूटिलाइज होगा। ध्यान से देखना, आपके द्वारा बनाया हुआ अकाउंट, आपके द्वारा डोनेट किया हुआ अमाउंट, आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए पुअर नर्सिंग ऑफिसर को मदद करने के लिए बनाया गया जो ग्रुप है जिसमें आप अमाउंट डिलीवर कर रहे हो, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। तो
जेनेटिक डिजीज जो है वो ट्रांसफर होने में दो या दो से अधिक अफेक्टेड जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। दो या दो से अधिक अफेक्टेड जीन क्या कॉज करेंगे बच्चों? म्यूटेशन कॉज करेंगे, और म्यूटेशन का मतलब होता है फर्दर मल्टीप्लीकेशन, फर्दर मल्टीप्लीकेशन। गॉट इट एवरीवन? ओके फाइन, ओके फाइन। अब बात आती है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के दो टाइप्स होते हैं। यहां एक क्वेश्चन आता है, यहां एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन क्या आएगा बताऊंगा आपको। इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। देखिए, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, एक ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव, कैन बी पास्ड डाउन थ्रू द फैमिली। डेफिनेटली ये फैमिली के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होता है। कैसे? टू कॉपी ऑफ एबनॉर्मल जीन मस्ट बी प्रेजेंट इन ट्रेट टू डेवलप। यदि किसी भी मदर और फादर में दो कॉपी या उससे ज्यादा एबनॉर्मल जीन फाइंड आउट होता है और वो आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है, दैट कैन कॉज इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बच्चों। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता है, अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोमल डोमिनेंट। मैं हमेशा कहूं रिसेसिव और डोमिनेंट, और ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है ये दोनों में मोस्ट कॉमन है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है। एक और एमसीक्यू मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, एक आता है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन किडनी। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। एक पूछा है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो आपको आंसर लिखना है अडल्ट पॉलीसिस्टिक डिजीज। दूसरा आया हुआ है किडनी में कौन सा डिजीज जिसको मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंट बोलते हैं, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंट बोलते हैं, तो भी आपको आंसर क्या लिखना है बच्चों? अडल्ट पॉलीसिस्टिक। ये दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, दोनों कॉम्पिटेटिव। एक पूछेंगे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पीकेडी और एक पूछेंगे मोस्ट कॉमन इनहेरिटेंट डिसऑर्डर इन टू द किडनी। आपका आंसर क्या आएगा? अडल्ट पॉलीसिस्टिक। आंसर क्या आएगा? अडल्ट पॉलीसिस्टिक। सुमित वेरी गुड मॉर्निंग, मुकेश मकेश वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो दीज आर द टू टाइप्स विच कमिंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम। हमने क्लियरली देखा कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को डिटेक्ट किससे करते हैं? एक्सरे से करते हैं। कैसा दिखता है इमेज? आपने देखा दो टाइप्स है, एक इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक डिजीज है, दूसरा अडल्ट है। दोनों में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? अडल्ट होगा। दोनों में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा बच्चों? अडल्ट होगा। ओके फाइन, ओके फाइन। नेक्स्ट मैंने पुट किया, इफ यू इनहेरिटेड एबनॉर्मल जीन फ्रॉम द ओनली वन पर्सन। देखिए दोनों में डिफरेंस शॉर्टली मैं बता देता हूं। यदि यहां दोनों पेरेंट्स मदर और फादर दोनों में है तो रिसेसिव कहलाएगा, और एक में होगा तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? डोमिनेंट। क्या कहलाएगा? डोमिनेंट। ओके फाइन। नेक्स्ट एक छोटा सा और डिसऑर्डर जिसको हम यूरिथ्राइटिस बोलते हैं बच्चों, यूरिथ्राइटिस। मैंने कहा था आपको कि हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं और हम क्रैश कोर्स में हर टॉपिक को रिवाइज करेंगे, हर टॉपिक को रिवाइज करेंगे। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे एक घंटे दो घंटे में कंप्लीट हो गया, बट हम ये जरूर कह सकते हैं हम उस हर टॉपिक तक जाकर के आपको रिवाइज करवाएंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी मदद कर सकता है, आपके सिलेक्शन को श्योर कर सकता है। और कभी आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने ये ना बताएं, तो ये JINC की क्वालिटेटिव स्टडी की पहचान है कि हर टॉपिक तक जाओ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस हर इंपॉर्टेंट कंटेंट को डिस्कस करो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताकि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने जो सपना देखा है वो पूरा हो, वो पूरा हो। क्योंकि हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का एक ही सपना है, एम्स अपना है। हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर और JINC का एक ही सपना है कि एम्स अपना है, और एम्स के हर वार्ड में JINC का वॉलेंटियर वॉरियर्स मुझे दिखना चाहिए। ध्यान रखना। ओके फाइन। यूथराइटिस की बात करें, सिंपल यूथ्रा में इंफ्लामेटरी प्रोसेस को हम यूथराइटिस बोलते हैं, और यूथराइटिस में क्वेश्चन क्या बनता है ये जानना जरूरी है। इसके कॉजेज इंपॉर्टेंट है, इसके कॉजेज इंपॉर्टेंट है, जहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। यू कैन सी एवरीवन, देखिए मैन में कॉज्ड बाय सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कल मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती बच्चों, याद रखना एड्स जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, याद रखना सिफिलिस जो है बच्चों, सिफिलिस जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बच्चों, गोनोरिया जो है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये वो डिसऑर्डर है जो सेक्स के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। द डिजीज आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज यूरिथ्राइटिस। क्या कॉज कर सकती है बच्चों? यूरिथ्राइटिस कॉज कर सकती है। गॉट इट एवरीवन? बिल्कुल, कॉमनली एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज।
देन जैसे मैंने गोनोरिया का कॉज भी लिखा है, नाइजीरिया गोनोरिया एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गोनोरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन होगा, नाइजीरिया गोनोरी बच्चों जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, क्लेमाइडिया भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का कॉज क्या, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। देखिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। यस हेमंत ये पूछा था, बिल्कुल हर एम्स में होगा बेटा, हर एम्स में जेएनसी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस होगा। वुमेन्स की बात करें, मेन में हमने देखा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। वुमेन्स की बात करें बच्चों तो याद रखना परफ्यूम्ड टॉयलेट पेपर, देखिए फीमेल में यूरेथ्राइटिस डेवलप होने का कॉज क्या है, परफ्यूम टॉयलेट पेपर इट रिस्क डेवलप। इसके अलावा यदि फर्दर मैं बात करूं और क्या क्या वुमेन्स में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मेनली मैंने यहां पर पुट किया फीमेल में, एक तो परफ्यूम टॉयलेट पेपर हो सकता है वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज यूरेथ्राइटिस इन फीमेल। उसके अलावा फर्दर क्या हो सकता है, देखिए सैनिटरी नैपकिन वन ऑफ द अदर फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज डेवलप यूरेथ्राइटिस। इसके अलावा फर्दर क्या हो सकता है, स्पर्मिसाइडल जेली, देखिएगा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, स्पर्मिसाइडल जेली भी यूरेथ्राइटिस कॉज कर सकती है फीमेल में, यूरेथ्राइटिस कॉज कर सकती है फीमेल में। तो दीज आर द फैक्टर, इवन यूटीआई। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि मेन में यूरेथ्राइटिस का कॉमन फैक्टर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, वुमेन्स में पूछे तो मैंने कुछ फैक्टर यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके फाइन, नेक्स्ट एक और छोटा सा डिसऑर्डर बच्चों, पाइलोनेफ्राइटिस, एक और छोटा सा डिसऑर्डर है विच इज बिलोंग फ्रॉम द रीनल सिस्टम। देखिए बच्चों ये हमने पढ़ा था किडनी, दिस इज योर किडनी, और किडनी का जो बाहर वाला लेयर होता है इसको हम क्या बोल रहे थे बच्चों, कॉर्टेक्स। उसके अंदर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज अ मेडुला, गॉट इट एवरीवन, दैट इज अ मेडुला। ये क्या था यूरेटर, और जहां से किडनी के अंदर रीनल आर्टरी एंटर होती है, जहां से रीनल वेन एग्जिट होती है, और इस ओपनिंग को मैंने क्या बताया था बच्चों, इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम, गॉट इट एवरीवन। अब इस किडनी के अंदर ये एक फुनल शेप, फनल, देखिए FUNN, फनल शेप कौन होगा, उसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस बच्चों। क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। याद रखना ये वो एरिया है किडनी में जहां पर फिल्टर होने के बाद में टेम्पररी यूरिन स्टोर होता है, दैट फनल शेप एरिया, दैट वी कैन से रीनल पेल्विस। और इसी रीनल पेल्विस में इंफ्लामेशन होना पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता, क्या कहलाता बच्चों, पाइलोनेफ्राइटिस कहलाता। गॉट इट एवरीवन। थैंक यू इंडिया ट्रस्ट ऑन जेएनसी, यू हैव क्रॉस्ड 1500। लाइक करना ना भूलें। हमारे प्यारे प्यारे फॉलोवर के भी 8 डिसलाइक हो गए हैं और भी बचे, वो भी आओ फटाफट करो, आप फ्री जल्दी से फ्री हो जाओ। बट पढ़ने वाले बच्चे आप लाइक करना ना भूलें। तो गॉट इट एवरीवन, ये जो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है, इट इज इंफ्लेमेशन इन टू द रीनल पेल्विस। याद रखना ये इंट्रारीनल, बच्चों याद रखना इंट्रारीनल फैक्टर है किसका, एक्यूट रीनल फेलियर का इंट्रारीनल कॉज है, जो एक्यूट रीनल फेलियर कॉज करता है। ओके फाइन। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या पढ़ सकते हैं, इंफ्लेमेशन ऑफ द रीनल पेल्विस हमने शॉर्टली देखा। देन उसके अलावा इकोलाई यहां पर भी रिस्पॉन्सिबल, मैंने यूटीआई में भी इकोलाई बताया। पाइलोनेफ्राइटिस में मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया पूछे तो इकोलाई, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में पूछे तो भी इकोलाई। तो ये कुछ कॉमन थिंग्स है विच इज कमिंग फ्रॉम द पाइलोनेफ्राइटिस। और इसका ट्रीटमेंट में सिप्रोफ्लक्सासिन और सिप्ट्रेक्सोन देते हैं। ये एंटीबायोटिक कॉमनली यूज करते हैं बच्चों, ये एंटीबायोटिक हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। गॉट इट एवरीवन। तो यहां तक जो अपनी जर्नी थी वो रीनल सिस्टम की थी। रीनल सिस्टम कंप्लीटेड। आई होप बहुत मजा आया होगा हर डिजीज के बारे में, हर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस के बारे में, एनाटॉमी के बारे में, इन्वेस्टिगेशन के बारे में, हम हर माइनर टू माइनर थिंग को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। ये सिस्टम अब यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो आप कहीं गलत नहीं करोगे, इतना भरोसा मुझे आप पे है। क्विक कहीं नहीं जाइएगा, मैं तुरंत नया स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूं ऑंकोलॉजी के लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग नया टॉपिक, नया सिस्टम,
ऑंकोलॉजी नर्सिंग कैंसर आज स्टार्ट करें, आज अभी इसी वक्त। तो कहीं नहीं जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विद इन मिनट्स में वी विल कम बैक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।